हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं समीर आप सभी की अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एमए करना चाहते हैं, एमएससी या एमकॉम करना चाहते हैं। जी फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं, शॉर्ट में बोले तो फ्रेंड्स बोलते हैं पीजी। अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो आपका जो सेकंड कट ऑफ है वो पहले ही जारी कर दिया जा चुका है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, थर्ड कट ऑफ। यहाँ पे कट ऑफ बहुत से कॉलेजों में कहीं भी लो गया है और कहीं ज़्यादा गया है, तो आप कट ऑफ कैसे चेक कर सकते हैं। और कट ऑफ के साथ हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो कॉलेज यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नाम वाइज आप कैसे चेक कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से अपने घर बैठे। तो कैसे चेक करना है, इसके लिए हम आपको ले चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप कर देना है यहाँ पे BRABU। जैसा कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ BRABU.edu.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सर्च अगेन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। उस बाद यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखिए फ्रेंड्स स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मिलेगा पीजी 2019-21 सेशन। जी फ्रेंड्स, थर्ड मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह का अगेन आपको पेज ओपन होगा, लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं। वो जो आपका पीजी यहाँ पे थर्ड लिस्ट मेरिट लिस्ट आप क्लिक किए थे वो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको नीचे मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन हो चुका है, यहाँ पे पीजी 2019 की थर्ड मेरिट लिस्ट एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट पब्लिश किया गया है। 15-10 जो इसका दिया गया है एडमिशन का डेट, 15-10 से 19-10 तक आप एडमिशन करा सकते हैं। अब आपको मेरिट लिस्ट अपना चेक करना है कि आपका नाम आया है कि नहीं आया है। कट ऑफ लिस्ट चेक करने के लिए आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ मार्क्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो देखिए फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स डाउनलोडिंग हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे ओपन कीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हम आपको बाद में बताएंगे, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप नाम अपना कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके पहले आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड्स नीचे अब आपको जो भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई किए थे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स जितने भी ऑनर्स हैं सब ऑनर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था फ्रेंड्स मैथ के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथ का जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैथ, इसी पे आपको मैथ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो देखिए फ्रेंड्स पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स ऑटोमेटिक ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने कॉलेज के हिसाब से, अब आपको अप्लाई जब किए होंगे तो उस समय आपको तीन प्रेफरेंस आप दिए होंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस एंड थर्ड प्रेफरेंस। यानी प्रेफरेंस का मतलब कि तीन कॉलेज आप चॉइस किए होंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉलेज का जो चॉइस किया था फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं MNS कॉलेज मोतिहारी, उसके बाद मैंने चॉइस किया था फ्रेंड्स MJK कॉलेज बेतिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना कॉलेज यहाँ पे ढूंढ लेना है जो कॉलेज आप अप्लाई किए थे। तो इस तरह आप अप्लाई करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर नाम कहीं ज़्यादा हो तो ज़्यादा तो नाम नहीं, बस आप ऐसे ही ढूंढ सकते हैं। जैसे आप प्रॉपरली ढूंढते हैं तो यहाँ पे आप अपना नाम देख लीजिएगा। नाम देखने के बाद आप एडमिशन के लिए प्रोसीड कीजिएगा, यानी एडमिशन के लिए आप जाइएगा। उससे पहले यहाँ पे कट ऑफ आपको हम दिखा देते हैं कि किस कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई जा चुका है। यहाँ पे MJK कॉलेज की बात कर ले कट ऑफ थर्ड की, तो यहाँ पे आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से आप कट ऑफ देखिएगा। यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और हिस्ट्री, यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स
जो ऑनर्स का जो कट ऑफ गया है ईबीसी में, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नील है यानी कोई नहीं है, 55 यानी हिस्ट्री ऑनर्स वालों को 55 कट ऑफ गया है, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ज्योग्राफी ऑनर्स के ईबीसी के 64 कट ऑफ गया है। तो इस तरह आप अपने जो भी कास्ट है अपना कास्ट के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने कॉलेज में जाके, जैसे एमएस कॉलेज के लिए मैंने अप्लाई किया था तो मैं यहाँ पे एमएस कॉलेज में ही जाऊँगा, और कॉलेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल कैटेगरी में आना है इसी रो में। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप फिजिक्स के लिए अप्लाई किए हैं तो फिजिक्स वाले कॉलम में आपको आके तभी देखना है। जैसे यहाँ पे आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे कट ऑफ गया हाई 70 और लो कट ऑफ गया है 68। तो इस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने घर बैठे अपना कट ऑफ चेक कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीक़ों में। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।